रुक करते हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक 17, जहां वहां के स्थानिक नगर सेवक संतोष शेट्टी ने अपने वार्ड में आज विशेष दौरा किया। यह दौरा जिस तरह से पूरे देश दुनिया में महामारी के रूप में कोरोना वायरस फैल रहा है, उसे रोकने के लिए भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र ना बनाए और अपने आप को कोरोना वायरस से किस तरह से बचाए, इसकी जन जागृति के लिए आज बुलेट पर सवार होकर संतोष शेट्टी ने अपने वार्ड की जनता को समझाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर दुकान है, जो दवाखाना है, जो मेडिकल है, जहाँ पर लोगों का क्राउड दिखाई दे रहा है, उन्हें सभी लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये जो दृश्य है पद्मा नगर की, जहाँ पर बुलेट पर सवार होकर वहाँ के स्थानीय नगर सेवक संतोष शेट्टी सभी को जन जागृति का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। धारा 144 जो आज पूरे देश में लगाई गई है, उसके पालन के लिए भी संतोष शेट्टी ने नागरिकों से आह्वान किया। और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट। कई बातें देश के प्रधानमंत्री बोल रहे, स्टेट के सीएम बोल रहे, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ की महापालिका, आपके माध्यम से इतना अच्छा प्रोपगंडा हो रहा सब जगह, लेकिन कुछ लोग उसको समझ नहीं रहे। आज देखो यूएस से अपने से 3-4 पद बड़ा कंट्री है, हम 130 करोड़, वो खाली 30 कोटि में परेशान है, और सबसे पावरफुल कंट्री दुनिया की। उन्होंने पहला प्रिकॉशन नहीं लिया, चाइना, इटली आज हमसे कितनी ताकतवर है हर चीज़ में। आज भगवान करे ऐसा कुछ गर्व ये नहीं हो, खाली हमको प्रिकॉशन लेना है। और कुछ लोग थोड़ा प्रिकॉशन में ध्यान नहीं दे रहे, कुछ आया में बीजेपी का अध्यक्ष और एक नगर से के नाते मैंने जहाँ जहाँ बिस्सी है उनसे क्वालिटी किया कि आप बिस्सी चलना भी जरूरी है, कि यहाँ सब टेक्सटाइल का एरिया है और एक एक आदमी एक एक बिस्सी में सब घर बार को है नहीं, बिस्सी में खाते, तो उनको टाइम टेबल दिया गया इस टाइम में बुलाओ। यहाँ पे बहुत सारे दवाखाने भीड़ लगा के रखे सर्दी जुकाम नॉर्मल इसके लिए, वहाँ हमने डॉक्टर्स लोग को बोला कि सबको साथ में सबका अटेंडेंट ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, उनको ऐसे 10-10 5-5 लोगों को एक साथ बुलाओ, ताकि ये जो बीमारी है इसकी दवा को निकली नहीं है, एक दूसरे को छूने से एक दूसरे को नज़दीक जाने की बीमारी है, इनको हमको खुद को संभालना है। तो मेरे ढंग से यहाँ के लोग ने भी एक्सेप्ट किया, यहाँ की जो पुलिस 24 घंटा सेवा दे रही है दिन रात करके, यहाँ की महापाली सेवा दे रही है, तो हमारा क्या करना है, खाली खुद को बचाना, ना अपने जैसे कोई जाने वाला है ना आने वाला है, खाली हमको एक चीज तरह से खुद को सेफ रखना है, ताकि कभी इसका विस्फोट जो होगा, जो बाकी कंट्रीज में इतने कम लोक संख्या में इतने 5,000-4,000 मर रहे, 130 करोड़ लोग है, कल कुछ हुआ तो कौन संभाले, और यहाँ जब मस्जिद मंदिर सब जगह बंद हुआ है तो पब्लिक को भी संभालना, आज हमारा दावा हम खुद है। तो मुझे लगा नहीं जाके बोलना कि पुलिस अकेली कितना करेगी, माँ परिवार कितना करेगी, आप न्यूज वाले कितना करेंगे, सरकार कितना, हमको जब तक जागरूक नहीं करेंगे, तो मैं खुद संसार बंदी है, 4 के ज़्यादा जमा हो सकते नहीं, मैं खुद मेरा गाड़ी लेके निकला अकेला, सब जो को समझाया, सब कुछ समझ में आया, और मुझे पूरा भरोसा है ये समझ में खुद के लिए, उसके लिए दूसरे को फ़ायदा नहीं, खुद के लिए फ़ायदा, आजू बाजू के लिए फ़ायदा है, फैमिली के लिए फ़ायदा है। तो हमको 31 मार्च तक देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री जो सूचना दी है, यहाँ की पुलिस, यहाँ की महापालिका, उसको खाली हमको फॉलो करना है। तो ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ज़्यादा लोग एक दूसरे दूरियाँ बनाए रखे, बिल्डिंग में भी अगर घर बैठे बैठ के भी काम करो, कोई नीचे मत उतरो, खाली हमको 10 दिन संभालना है खुद को। हमारी दवा यही है कि हमको एक दूसरे को संभालना, यही हमारी दवा है, इसकी दवा निकली नहीं, दवा यही है। जो 4-5 कंट्री में जो प्रॉब्लम हुआ इसी बीमारी के हुआ, उस बीमारी को अपना अगर फैलेगा तो मैं समझता हूँ मैं क्या कोई बच सकता नहीं, ना उसको पैसा बच सकता है, ना उसको कोई डॉक्टर बच सकता है। खाली इतना है कि हमको डॉक्टर नर्स जो दिन रात मेहनत कर रहे उनको भी होगा नहीं, क्योंकि इटली में देखो वहाँ पे 3 जोन बनाए, 3 जोन में जो ज़्यादा 80% जिसको गया उसको मरने के लिए छोड़ दिया, कुछ कह सकते नहीं क्यों लोग इतना बढ़ रहे, तो ये नौबत ध्यान है। यहाँ तो
जब भी होगा वो भयंकर होगा, लेकिन मैं भगवान से जो भी हिंदुस्तान में हमारे चार पांच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी से ये बीमारी है, इसको दुआ और खुद ध्यान से इसको ख़त्म करना है। और आपके माध्यम से जो मेरे सुन रहे फिर से हाथ जोड़ के विनती है कि हमको सबको हमारी सरकार को जो बोलते हैं, हमारे डॉक्टर जो बोलते हैं, हमारे जो भी प्रतिनिधि जो बोलते हैं उनको सुन के खाली आपको 10 दिन निकालना है जिससे हम इस बीमारी से बच सकें, नहीं तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। दोनों चीज़ हमारे पास ही है, अगर हम जितना संभालेंगे खुद को तो बचेंगे, अपन केयरलेस करेंगे, हम ध्यान देंगे नहीं तो हमको इसमें ख़त्म होना ही है। फिर से आदमियों की विनती है, हर एक आदमी ये टाइम ऐसा है क्या 84 का दंगा था, हम छोटे थे जब भी कर्फ्यू लगे थे, हिंदू मुस्लिम का दंगा था, लेकिन ये दंगा ऐसा है एक इंसानियत का और एक बुरा चीज़ का, हम सब आज तो इकट्ठा है तो उस टाइम दिन निकालिए, तो अपनी इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे थे सब इंसान जो भी, इसमें कोई धर्म नहीं पालता बोलना चाहिए, और एक गंदा जो शैतान के नाम पर कोरोना है उससे लड़ना है, और हम लड़ेंगे, हर दम भारतीय हर चीज़ में लड़के जीता है। हमारा पोलियो का विषय हो, आज पोलियो ख़त्म कर दिया, पोलियो भारत का नाम अपना इसने बहुत खराब करा, लेकिन ये जिस दिन सोच लिए सब मिलकर भारतीय ने ख़त्म करना है तो ख़त्म किया, इसलिए फिर से इसको हम ही ख़त्म करेंगे, और एक दुनिया इसको मिसाल देगा कि दुनिया में दवा नहीं बनी, लेकिन अपना हाथ जोड़ना, ये सब जो पॉलिसी ये गवर्नमेंट ने जो डॉक्टर ने गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाला है लंबा कैसे रहने का, दूरियां बना के रखने का, यही हमारा कल्चर दुनिया एक्सेप्ट करेगा, दुनिया बचेगा, तो शुरुआत यहाँ से बात करेगी। और फिर से मैं हाथ जोड़ करता हूँ इतने पर ध्यान। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।